ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. पर्सनालिटी शादी के लिए अपने आप को तैयार करना है. एक पर्सनालिटी बिफोर मैरिज एक आइडियल और एक उसके लिए थरो रेडी एक पर्सनालिटी होना. कौन सा बटन दबाना है? राइट वाला. ओके, थरो होना है. द नीड फॉर प्री मैरिज काउंसलिंग, इसके ऊपर मैं बात करूंगा. सवाल यह है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मैरिज काउंसलिंग फॉर प्रिपरेशन एसेंशियल इज टुडे जीरा. आज के जमाने में स्पेशली एआई का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है, कोडिंग का जमाना है, बिग क्यू का जमाना है और ओटीटी प्लेटफॉर्म तो हर एक की जेब में है. ओके, आज के जमाने में इसलिए टॉपिक को पढ़ना जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए से शादी को जो पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, शादी के बारे में जो बोला जा रहा है या सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में जो बोला जा रहा है, फैमिली लाइफ के बारे में बोला जा रहा है, वो बहुत ही टॉक्सिक है, वो फिक्शनरी है, वो फिल्मी है, ड्रामाई है. हकीकत तो उसमें ओनली 20% है और हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां वो देखते हैं और समझते हैं कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होता है. और इतना टॉक्सिक माइंड बनाया जा रहा है. फॉर एग्जांपल ये बोला जा रहा है इंटेलेक्चुअली, उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके राइटर्स हैं, उनके पोएट हैं, बोल रहे हैं कि शादी इज नॉट नेसेसरी, शादी जरूरी नहीं है. ये सारा कॉन्टेंट जो है ना सोशल मीडिया से दिया जा रहा है, वरना शादी के ऊपर अलग से बात करने की जरूरत नहीं समझता मैं. शादी एक ऐसा है जो एक नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे मां के पेट से बच्चा निकलता है तो मां के छाती से दूध पीने के लिए बच्चे को बताता है क्या? नहीं बताता. ऐसा है एक्चुअली शादी का प्रोसेस. बट आजकल क्या हुआ है, बच्चा मां के पेट से निकलने में जवान हो रहा है तो क्या करेंगे? तो आपको अलर्ट करना, इसके बारे में प्रिकॉशन दिलाना, यह हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है. मर्दों के लिए ये जो काउंसलिंग फॉर मेन मोर क्रूशियल क्यों है, वाई मेंस के लिए क्यों जरूरत है, ज्यादा जरूरत क्यों है? दो रीजन है भाई. मर्दों के लिए स्पेशली फैमिली काउंसलिंग जरूरत यह है, एक तो मर्द को खुद भी अपना लाइफ सक्सेसफुल लीड करना है ना. फीलिंग्स हमारे भी है, बर्डन्स हमारे भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे भी है, तो हमको भी खुशी से रहना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल जवाब. ओके, दूसरा जवाब, मर्द अल्लाह ने मर्द को जेंट को कवाम बनाया, लीडर बनाया, टीचर बनाया, एक सुप्रीम पावर दिया, एक्स्ट्रा पावर दिया. अर रिजालु कवामून अला निसा, अल्लाह ने बोल के क्या किया, तुम मर्द हो, खुद को संभालने से काम नहीं चलेगा, बीवी को भी संभालना पड़ेगा तुमको. इसलिए मर्द लोगों को ये कंटेंट पर एक्स्ट्रा स्टडी करना जरूरी है, खुद को संभालने के लिए भी और गिरते हुए आदमी को संभालने के लिए. ओके, मलेशिया का मैं एग्जांपल आपको देता हूं. मलेशिया कंट्री है. मलेशिया ने 1980 से 1995 तक डिवोर्स और तलाक और फस्ख डिसोल्यूशन ऑफ निकाह उसका रेशियो बढ़ता चला गया. इवन 70 आउट ऑफ 100 मैरिज लाइफ कोलैप्स हो गए. कितना? आप गूगल करके देख लेना, बट अभी मत करो. 70% मैरिटल लाइफ कोलैप्स स्टार्टेड. गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इसका हल क्या है. हल के लिए मलेशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से, उलमा से बातचीत किया, हाई लेवल का मीटिंग हुआ कि भाई ये जो तलाक और खुला का रेशियो इतना रैपिडली बढ़ रहा है
तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए। तो उन लोगों ने एक बिल पास किया गवर्नमेंट में, असेंबली में, कि काजी होगा ना, काजी एरिया का जो काजी जो निकाह पढ़ाता है, वो किसी का निकाह उस वक्त तक नहीं पढ़ाएगा जब तक लड़का या लड़की का स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ जो होने वाले हैं, उनका ऑफिशियल जो सिलेबस बना हुआ गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड एक सिलेबस भी था, उसके ट्रेनर भी थे, वो कोर्स जिसने कंप्लीट किया ही इज द एलिजिबल फॉर द मैरिज। इट वॉज कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी था वो। उसको उन लोगों ने अप्लाई किया, वल्लाही एज पर द रिपोर्ट 70% का जो था ना, 30% सक्सेसफुल मैरिज थे, 70% फेल थे, उल्टा हो गया 10 साल के अंदर 30% हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाइयों, तकरीबन हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्प्यूट्स अलग अलग है, किसी को छोटा बीमारी है, किसी को बड़ा बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई मरने के ऊपर है, वेंटिलेटर में है, ऐसा है सब। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। तो मलेशिया में एक करने के बाद अब क्या भाई, मलेशिया की जैसी हुकूमत तो यहां पर होना जरूरी नहीं है, या वही स्ट्रेटेजी अपना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अच्छे हैं, हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है, वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हर गवर्नमेंट के अलग अलग प्रायोरिटीज होते हैं। बट एज ए मुस्लिम उम्मा हमको खुद को सोच रहा है कि भाई हमारी कौम के अंदर क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, हमारी जमाते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लीडर्स, हमारे उलमा इस मैदान में क्या कर सकते हैं, ये देखना है। मैरिज काउंसलिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट शादी से पहले इसलिए जरूरी है कि मैरिज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर इंसानों के बीच में होने वाले एग्रीमेंट्स बहुत होते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, तो स्कूल के साथ, कॉलेज वालों के साथ, हर चीज में एग्रीमेंट है। मैं अल्लाह और इंसान के बीच का नहीं बोल रहा हूं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद का अकीदे का है। जो इंसानों के बिटवीन द ह्यूमन बीइंग जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा एग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ का एग्रीमेंट है। बट यहां हम लोग कोई साइन करने से पहले जी हां मैंने कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, या साइन करने से पहले नो स्क्रूटनी, नो प्रिपरेशन, नो क्रॉस वेरिफिकेशन। क्यों ऐसा? उसी पर सारी तुम्हारी 50-60 साल की जिंदगी डिपेंड है, इसी सिग्नेचर पर। और ये सिग्नेचर के लिए कोई तैयारी नहीं है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी मैरिटल लाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी सास, तुम्हारी मां, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा इमोशंस, पूरा भी स्टार्ट होने को है शादी के बाद। और उसके लिए तैयारी अगर नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है।